सकते हैं यार, ये देख सकते हैं कितना अच्छा से पीस लिए हैं। ये देखिए, ये देखिए किस इसी तरह से, ये देखिए। अभी इसको 5 मिनट टिप, तो चलिए ये देखिए, और ऊपर से धनिया पत्ता रख दीजिए, मजा आएगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सुबह का नाश्ता में क्या बनाने वाले, कुछ छोटा सा रेसिपी हमारा जो दही बाड़ा का, और जैसे हमें आता बनाने उस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ना हम दही उड़ीद दाल को सबसे पहले भिंगा के रख लिए थे रात भर, ये ना पूरी तरह से देखिए फूल गया है, इस तरह से फूल गया है। तब इसको हम पीस लेते, देखिए एक बार चलाए हैं मिक्सी, और हमको मतलब जिस तरह से आता उस तरह से हम बना रहे हैं। और इसमें दे दिए हैं लहसुन, और ये देखिए हरी मिर्च, आपके पास हरी मिर्च है तो वो भी दे सकते हैं। दोनों को मिलाकर इसको भी पीस लेते हैं। तो हमारा ये पिसा गया है, देख सकते हैं काफी है, देखिए इसमें पानी नहीं दिया, एकदम थोड़ा सा दिए ना मंत्र का, जब नहीं पिसा रहा था तब। ज्यादा पानी मत दीजिएगा नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, दूसरा बार भी पीस लेते हैं। हेलो जी, चलिए अब इसको भी इसी में निकाल लेते हैं। तैयार है, देख सकते हैं कितना अच्छा से पीस लिए हैं। ये देखिए, ये देखिए पीस। अब इसमें दे देते हैं थोड़ा से खाने वाला सोडा, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी दीजिएगा, एक चुटकी से भी कम, क्यों हमारा जितना थोड़ा सा है तो थोड़ी सा ना देंगे, नहीं तो ज़्यादा देंगे तो बेकार हो जाएगा। और थोड़ा सा नमक दे देते हैं, बस अभी दोनों को मिला लेते हैं, अच्छा से फेंट लेते हैं अपने हाथों से। चलिए इसको भी अच्छा तरह से फेंटते हैं, कम से कम 5 मिनट इसको अपने हाथों से इस तरह से। चलिए इसको, तो चलिए अच्छी तरह से एकदम मिला लिए, इसको भी 5 मिनट रहने देंगे कि अच्छा से हमारा फूल जाए। तो इधर हमारा तेल गर्म हो रहा है और ये तो फूल चुका है, देखिए कितना अच्छा से। अब इसको छुएंगे नहीं, तब तक इधर हम बना लेते हैं अपना उसके क्या बोलते हैं इसको, छोर दही अपना, और बाकी इसमें पानी मिलाएंगे फूलने के लिए, तो चाहिए ना इसका। तब तो मजा आएगा, उसमें नमक दे देते हैं। अरे ये है लाल मिर्चा थोड़ा से, आप घर पे भी सूखा मिर्चा को पीस के दे सकते हैं हल्का से, मतलब गरम करके। तो हम गुंडी ही ला के थोड़ा सा, तो उतना क्या करना, ज्यादा नहीं, आप अपने हिसाब से कितना तीखा, आप भी बहुत ज्यादा तीखा हो जाएगा देखिए। चलिए और दे देते हैं, हमारा दही का पानी, यह हमारा दही बाड़ा का ना पानी, इसको घोर के रख दिया, मतलब जो दही मिर्चा और नमक करके, आप इस टाइप में भी छोका भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी। और इधर हमारा तेल गर्म हो गया है, हाँ पानी तो लेना ही भूलिए, इसी तरह से सारा बिदार एक एक करके अपनी छूट जाना से। तो हम बना रहे थे मगर बाबू ना रोने लगी, तब ये देखिए किस तरह से बना रहे हैं, एक बार बन चुका है इतना निकल गया है, अरे दूसरा बना रहे हैं। हाँ तो छोटा सा पेस्ट है, आपका हाथ से बड़ा ही बड़ा बनेगा, देखिए हाथ में चिपका चिपका के बना रहे।
कैसे करके देख रहे हैं, 4 घंटा से ये को डाले हैं, इनको भी आते ही है बनाने में। ये देखिए जी डाल रहे हैं अपना धीरे धीरे करके, देखे एक एक करके छोड़ रहे हैं। हो गया ठीक, चार एक होगा किनका ना दोस्तों, बड़ा बड़ा है काफी इसलिए ना। तो चलिए अभी बना लेते हैं सारा इसी तरह से। पासी जिससे ना हो नहीं रहा था, उससे ज्यादा गीला हो गया, मेरे नहीं हुआ है गीला। गीला तो है, आप ही हो, तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, कम क्यों है नहीं दिख रहे हैं। अरे उसको डाल दो दही बाड़ा में, देंगे अभी थोड़ा ठंडा तो होने दीजिए, इसको डाल के देंगे। चलिए इस तरह से बस ये रहा मास्ट, जो बचा पूछा ये पुचकी का नाम से। दोस्तों बन के रेडी हो गया, अभी वो छनाएगा और ये अभी ना थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और हम पहले देते थे ना पानी में इसको थोड़ा से भिंगा के उसके बाद डालते थे, क्यों ज़्यादा हमारे पास है नहीं तो फिर पानी में क्यों डालना, डायरेक्ट इसी में ही डाल देंगे। देखिए इसी तरह से, ये देखिए अभी इसको 5 मिनट फूलेगा अभी आराम से, इसको भी ढक देंगे करीब जितना भी है ना अंदर में दही बाड़ा का अंदर पानी इसका रस चल जाएगा ना तो फूला फूला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली हमारा दही वाड़ा बन के रेडी हो गया है और काफी अच्छा फूल चुका है, देख सकते हैं कितना अंदर तक एकदम, देख रहे देखिए कितना फूला फूला है, इसमें भी रखे हैं इसमें। चलिए इसके अंदर अब इसको हम सजाते हैं, हल्का सा आगे पतला दही था और उसके बाद फिर मोटा दही। अरे देखिए ये हमारा लाल मिर्ची, देखिए इस तरह से, हाँ कितना सुंदर लगेगा ये चाट मसाला। अरे काला नमक रहे तो काला नमक दीजिएगा, मुझे काला नमक नहीं है। तो चलिए ये देखिए, और ऊपर से धनिया पत्ता रख दीजिए, मजा आ जाता है। धनिया पत्ता नहीं है बन के तो रेडी है, तो काफी सुंदर लग रहा देखने में। आशीष जी बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। तो काफी सुंदर दिख रहा है सजने के बाद, देखिए तो देखिए कितना अच्छा, देखिए नरम पूरे स्पंज ही है, मस्त लग रहा देखने में, खाने में तो मजा ही आएगा। तो दही बड़ा है ना, अब बोलेगा कि ये अपने बनाई अपने, दही बड़ा में दोस्तों ऐसे भी कुछ रहता नहीं है, सिंपल सा रेसिपी है, कुछ करना भी नहीं पड़ता इसमें, ज्यादा कुछ है भी नहीं, ज्यादा मेहनत भी नहीं है, बस तलिए पीसिए बस हो गया। और आप हरी चटनी भी चाहिए तो आप हरी चटनी धनिया मिर्चा का चटनी भी ले सकते हैं, लेकिन चाटे मसाला में सादे ही अच्छा लगता है, ज्यादा मसाला नहीं, काफी टेस्टी रहता है। चलिए खाने में तो मजा आ रहा, आप लोग भी खा लीजिए पूरा कटोरा भर के दही वाड़ा। चलिए अब रेसिपी वीडियो को यही एंड करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।